योगी मंत्रिमंडल से। जी हाँ, योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। लेकिन इस बीच ये खबर सामने आई कि बीजेपी अपनी टीम को बढ़ा रही है, बीजेपी अपनी टीम को मजबूत कर रही है, युवाओं को अपने साथ जोड़ रही है, वरिष्ठ नेताओं को अपने साथ जोड़ रही है। देखिए, पहले हेमंत बिश्व शर्मा, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया और अब बृजेश पाठक, ऐसे तमाम नेता हैं जो बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं और बीजेपी की टीम को मजबूत करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी ये समझ गई है कि सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। बीजेपी ये समझ रही है कि अगर सबको साथ लेकर चला जाएगा तो बहुत बड़े हद तक बदलाव होता नजर आएगा। दरअसल ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो बहुत बड़े हद तक विपरीत तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी आखिरकार ये रणनीति क्यों बना रही है। दरअसल ये देखा गया कि कांग्रेस पार्टी के लगातार कमजोर होने के बाद बीजेपी अपनी टीम को मजबूत कर रही है। और जिस तरह से बृजेश पाठक का अगर हम जिक्र करें, ये वही बृजेश पाठक है जो एक समय में योगी आदित्यनाथ के सबसे ज्यादा जो है करीबी भी रहे थे और बहुत ज्यादा इनके बीच में अनबन दिखती नजर आ रही थी। अगर कहा जाए तो 36 का आंकड़ा रहता था योगी आदित्यनाथ और बृजेश पाठक में, क्योंकि दोनों नेताओं के बीच की जो कहानी है वो काफी समय से आगे दिखती नजर आ रही है। हालांकि मौजूदा समय में ये देखा जा रहा है कि बृजेश पाठक को योगी मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई है, लेकिन बृजेश पाठक ने जैसे योगी मंत्रिमंडल में जगह ली है, मंत्री पद संभाला है, तो कई बड़े खुलासे भी कर रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी इस वक्त बहुत संभल कर काम कर रही है, क्योंकि देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव भी बीजेपी को जीतना है और जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी वो तमाम कोशिशें करेगी जो कोशिशें करनी चाहिए। तो मौजूदा समय के अंदर ये माना जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक बदलाव हो रहा है, मौजूदा समय में देखा जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक तस्वीर बदल रही है और जिस तरह से स्थिति बदल रही है, इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ नहीं रही है बल्कि कम होती नजर आ रही है, क्योंकि आज बीजेपी की जो टीम मजबूत हो रही है इसका फर्क देखने को मिल सकता है। हालांकि ये माना गया कि बृजेश पाठक जो योगी आदित्यनाथ के दुश्मन माने जाते थे, देखिए दोनों एक साथ आना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं बृजेश पाठक जैसे मंत्री को अपने साथ बीजेपी ने जोड़कर बहुत कुछ सियासी गलियारों में एक संदेश दिया। ये वो बृजेश पाठक है जिन्होंने बसपा के साथ भी रहे थे, सपा के साथ भी रहे थे और ये माना जा रहा है कि धीरे धीरे अब अपनी पारी बीजेपी में रहकर शुरुआत करेंगे। देखिए बृजेश पाठक, उनकी जो रणनीति है वो बहुत माहिर है रणनीति बनाने में, क्योंकि जब जब उन्होंने देखा कि उत्तर प्रदेश में किसका माहौल सबसे ज्यादा बेहतर है, जब जब उन्होंने देखा उत्तर प्रदेश में रुख किसका चल रहा, हवा किसकी तरफ चल रही है, उन्होंने उस तरफ चलते गए, उस तरफ शामिल हो गए, इस पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने पता था कि बीजेपी 2022 यूपी विधानसभा चुनाव जीतेगी और देखिए जीती भी। तो यही वजह कि काफी समय पहले बृजेश पाठक ने बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया था और बृजेश पाठक जिस तरह बीजेपी से नजदीकियां बढ़ा रहे थे उसका फायदा देखिए आज उन्हें मिल गया, उन्हें योगी मंत्रिमंडल में मिल गया है। तो देखा गया कि जब जब बृजेश पाठक जिस पार्टी के साथ जुड़े कहीं वहां पर उनको बड़ा फायदा ही मिलता नजर आया। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।